हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब के चैनल में। और गाइस, अगर आपके पास पोको F4 5G का फ़ोन है और अगर आपके फ़ोन में फ्रंट कैमरा में यहाँ पे आपको इशू आ रहा है, यहाँ पे कोई भी इशू आए, चाहे वो ब्लर का प्रॉब्लम हो, चाहे वो हैंग का प्रॉब्लम हो, या तो फिर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको फ्रंट कैमरे में, तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि कैसे आपको इस प्रॉब्लम को सॉल्व करनी है। तो चलिए गाइस, वीडियो स्टार्ट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ। तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो गाइस आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आप अपने फ़ोन को एक बार स्विच ऑफ करके दोबारा से ऑन कर लीजिए, ओके। और उसके बाद यहाँ पे आपको जाना है अपने फ़ोन के सेटिंग में। फ़ोन के सेटिंग में आने के बाद यहाँ पर आपको ऊपर की ओर स्लाइड करनी है और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन आता है एप्लीकेशन का, तो यहाँ पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मैनेज एप्लीकेशन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। और उसके बाद यहाँ पे आपको गाइस कुछ इस तरीके से सर्च बार का ऑप्शन आएगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिखना है कैमरा, तो इस तरीके से आपको कैमरा लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको उसको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको स्टोरेज का जो ऑप्शन है वहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको क्लियर डेटा का ऑप्शन आता है, तो गाइस यहाँ पे आपको क्लियर डेटा पे क्लिक करके इसका जो डेटा है वो आपको क्लियर कैसे कर लेना है, या तो फिर आप क्लियर ऑल डेटा पे क्लिक करके इसको कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एप्लीकेशन परमिशन में जानी है और यहाँ पे आने के बाद आपको कैमरा का परमिशन यहाँ पर अलाउ कर देना है। तो यहाँ पर बस गाइस आपको इतना ही सेटिंग करनी है और उसके बाद यहाँ पर आपके फ़ोन में बिल्कुल भी कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।